वाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। दोस्तों दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर अपने जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क फीस लागू है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में काली नज़र किन तीन लोगों ने की? हम जाने अनजाने में कुछ बातें अपने घर के लोगों को बता देते हैं या बाहरी लोगों को भी बता देते हैं। उनके साथ ही साथ हमारे घर की कुछ गुप्त बातें जो किसी को नहीं पता होना चाहिए वह लोगों को कहीं ना कहीं से पता लग जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों की हमारे घर के ऊपर काली नज़र है और यह लोग कौन हैं, क्या हमारे घर के आसपास हैं, क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं या कोई हमारे घर में से एक व्यक्ति है। आप इन सभी को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कुछ संकेतों से, कुछ इनकी आदतों से और कुछ इनके द्वारा किए गए कार्यों से। तो यह जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये शायद आपके जीवन में अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, इसलिए इन सभी बातों को बहुत गंभीरता से सुने, समझे और इन पर अमल करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप कमेंट्स में ओम नमः शिवाय का नाम लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ 2-4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती है। सीधा शर्त है कि जो लोग दूसरों का जमीन पर, दूसरों के धन पर हड़पना चाहते हैं, जो नीतिगत और न्यायप्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जो आपको न्याय समझ आता है वो व्यक्ति नहीं करते हैं, जो न्यायिक चीज़ है वो नहीं करते हैं, जिन लोगों की नीयत साफ नहीं होती है। दूसरे लोग जिनकी महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए और ऐसे लोग घर में भी कभी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यह लोग महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करेंगे तो कभी न कभी हमारे साथ किसी प्रकार से छल कपट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से हमें बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरे लोग वो है जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और माता पिता के साथ साथ जो सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। उन लोगों की नज़र हमेशा काली रहेगी और पूरी तरह वो हमें भी तकलीफ में जीवन पर्यंत डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत हद तक बच कर रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो मेरा जो बनाने का उद्देश्य था आपके लिए, ये तीन जो लोग हैं जिनकी काली नज़र होती है, जो लोग हमें, मतलब काली नज़र से सीधे से बात है कि ये हमें भी जीवन में तकलीफें डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।